हार्दिक पांड्या इन दिनों शानदार फॉर्म में है। एशिया कप के बाद हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बेहतरीन खेल दिखाया। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज हार्दिक को टीम इंडिया के लिए परफेक्ट ऑलराउंडर मानते हैं, क्योंकि वो बैट के साथ साथ बॉल से भी विरोधियों के दांत खट्टे कर देते हैं। लेकिन अपने जमाने के महान ऑलराउंडर और जिम्बाब्वे के कोच लांस क्लूजनर ऐसा नहीं मानते। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए क्लूजर इन दिनों भारत में है। यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में क्लूजनर ने हार्दिक पांड्या पर विस्तार से बात करते हुए कहा, हार्दिक पांड्या के बल्लेबाजी पर किसी तरह के सवाल नहीं उठ रहे हैं। ये सही भी है, क्योंकि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की तरह खेल रहे हैं। परेशानी उनकी गेंदबाजी को लेकर है। क्या वो एक ऑलराउंडर के तौर पर तीनों फॉर्मेट में अपने कोटे के सभी ओवर्स को कर पा रहे हैं? हार्दिक पांड्या में असाधारण खेल प्रतिभा है, जिसका नमूना वो वक्त वक्त पर दिखाते रहते हैं। इसी खेल की बदौलत उनकी तुलना इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स से की जाती है। क्लूजनर ने इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। क्लूजनर ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा, मुझे लगता है बेन स्टोक्स हार्दिक पांड्या से बेहतर ऑलराउंडर है, लेकिन भारत का ये ऑलराउंडर तेजी से चीजों को सीख रहा है। पिछले 2-3 सालों में पांड्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना बेस्ट दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी पूरी तरह से तैयार हुए हैं। वो जितनी जल्दी खेल के तीनों फॉर्मेट्स में अपने सभी ओवर फेंकने में सफल हो जाता है, हम उसे निश्चित रूप से सभी महान ऑलराउंडरों की श्रेणी में रख सकते हैं। वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स की सूची में जगह बनाने की राह पर निकल पड़ा है, लेकिन उसे अभी वहां पहुंचने में थोड़ा समय है। इसीलिए मैं फिलहाल पांड्या की बेन स्टोक्स के साथ बराबरी नहीं कर सकता। हार्दिक पांड्या ने 73 T20 इंटरनेशनल मैच खेलकर 989 रन बनाए हैं। इस दौरान हार्दिक का औसत 25.5 का रहा है, जबकि उनका बेस्ट स्कोर 71 रन नॉट आउट है। वहीं बॉलिंग में हार्दिक ने 8.33 की इकोनॉमी से इतने ही मैचों में 54 विकेट्स चटकाए हैं, जबकि बेन स्टोक्स ने 34 T20 मैचों में 20.1 की औसत से 442 रन बनाए हैं। उनका बेस्ट 47 रन नॉट आउट है। इतने ही मैचों में स्टोक्स ने 8.77 की इकोनॉमी से 19 विकेट्स लिए हैं।